क्या हुआ छोटे भाई? छोटा भाई कहते हो और पीठ पीछे चुरा भोगते हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ वीर के सरोज भाभी को धक्का तुमने दिया था। बताओ क्या खेल खेल रहे हो तुम? कभी तुम मुझे और अमृत को मिलाने की बात करके तुम अमृत का विश्वास जीतना चाहते हो, तो कभी मेरे बजाय खुद उदय वशमा की मदद करके उनकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो? अरे एक पल के लिए तो मुझे लगा था कि शायद मैं ही तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा हूँ, पर कल की तुम्हारी हरकत ने मुझे बता दिया कि तुम किस मिट्टी के बने हो। वीर बोलो क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? तुम गलत समझ रहे हो छोटे भाई, ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हम ऐसा क्यों करेंगे? तुम दोनों की मदद करना हमारी मजबूरी नहीं है, हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम बस अच्छाई के बदले अच्छाई करना चाहते हैं, दैट्स इट। एक लड़की की मदद करना चाहते हैं जिसने एक वचन की वजह से अपने प्यार की कुर्बानी देके हमारे साथ रहने को तैयार है, बस बस मदद करना चाहते हैं। और अमृत और हमारे बीच में कभी प्यार का रिश्ता बन ही नहीं सकता, तो हम बस दो प्यार करने वालों को मिलवाना चाहते हैं, अपनी गलतियों का बोझ कम करना। वीर ये तुम्हारी इस चिकनी चुपड़ी बातों से तुम अमृत को बेवकूफ बनाना, लेकिन मैं अमृत नहीं हूं। और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, तुम अमृत सिर्फ मेरी है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, लेकिन अमृत सिर्फ मेरी रहेगी। बोलो क्या षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बोलो नहीं तो मार डालूंगा मैं तुम्हें। बोलो मारो, मैं मार दो। मैं कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा तुम पे। अगर दो प्यार करने वालों को मिलवाना सजा मौत है तो हमें मौत भी मंजूर है। मौत मंजूर है हमें। कर क्या रहे हैं आप? दिमाग खराब हो गया है आपका? अमृत आप नहीं जानते इस आदमी के नाटक को। ये शुरू से बस शकी करते आ रहे हैं आप इस पर। अरे जो इंसान हमारी मदद कर रहा है आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? मेरी वजह से वो उदय वीर और वशमा की शादी करवा रहे हैं और आप? रणधीर हो क्या गया है आपको? वीर रणधीर की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। गलती इनकी नहीं, अगर हम भी इनके जगह होते तो शायद यही गलती कर बैठते। हर इस दुनिया में इतने बुरे लोग हैं, इतनी बुराई है कि कोई अगर अच्छा ही करे तो यकीन होता ही नहीं है, भरोसा होता ही नहीं। तो तुम फिक्र मत करो, जरूर भरोसा होगा। जब तुम्हारी नजरों के सामने हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, जरूर भरोसा होगा। वीर मैं तेरी बस, आपको मेरी कसम है, आप चले जाइए यहां से। गलती उसकी नहीं, हो सके तो माफ कर दो उसे। ये क्या कर रही हैं? हाँ झूठ मूठ की सही, लेकिन कुंवर वीर प्रताप सिंह की पत्नी है यहाँ, और इसे किसी गैर मर्द का हाथ पकड़ना ना शुभ नहीं देता आपको। रणधीर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ बेशक दुनिया मुझे उनकी पत्नी मानती है, पर आप अच्छी तरह जानते हैं ना मेरा दिल मेरी आत्मा सब आपसे जुड़ी है। सच कहूं तो आज पहली बार ऐसा लगा नहीं। हम झूठ मूठ का नाटक करते करते आप सचमुच उस पति नाम के इंसान के काफी करीब आ गई हैं। इतने करीब आ गई हैं कि इस रंधी नाम के इंसान पे आपको जरा सा भी भरोसा नहीं रह गया। आपने सब कुछ उस चश्मे से देखना शुरू कर दिया अमृत, जिसने आपकी आंखों पर चढ़ा के रखा है। नहीं रंधीर आप उन्हें गलत समझ रहे। समझ गया अमृत,
समझ गया है कि आपको समझाने का या आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं चलता हूं क्योंकि यहां खड़े होके आपके मुंह से आपकी उनकी तारीफ सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। चलता हूं। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है पापा, खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचती। अगर बुराई में भी कोई अच्छाई ढूंढ सकता है वो सिर्फ अमृत है पापा। आप ही बताइए, इतनी अच्छी लड़की को हम अपनी जिंदगी से कैसे जाने थे, और वो भी उस रणधीर के साथ। पापा, अमृत सिर्फ हमारी है और सिर्फ हमारे लिए बनी। मतलब क्या कह रहे हो? रणधीर उसकी जिंदगी में पहले आया था। आपकी शादी एक झूठ है ना, आपने उसके साथ फेरे लिए हैं, ना उसके गले में अपने नाम का मंगलसूत्र आपने पहनाया है, और ना ही आपने उसकी मांग भरी है। फिर उसे अपनी पत्नी मानकर अपना हक ऐसे कैसे जता सकते हैं आप? अफसोस तो इस बात का है कि अपने बाकी सबके साथ साथ आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, आपके पापा से जो हमेशा हर हाल में आपके साथ खड़े हुए। पापा, इस बार भी आप खड़े रहिए। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते पापा। आप बैठिए बैठिए। हम जानते हमसे गलती हुई है। हाँ, हम अमृत और रणधीर को एक दूसरे से अलग करना चाहते थे क्योंकि हम अमृत को खुद के लिए चाहते हैं। अब पता ही हम क्या करें, नहीं देख पाएंगे अमृत को किसी और का होते हुए, देखो उस रणधीर का। आप अच्छी तरह जानते एक मयान में एक ही तलवार रह सकती है, और वो तलवार हम है पापा। हमारी छोड़ी, राजघराने के बारे में सोचिए पापा। राजघराने की इज्जत का क्या होगा? हमारे परिवार के बारे में सोची, रानी मां के बारे में सोची। अगर ये सच बाहर आ गया तो हमारे राजघराने की इज्जत चौराहे पे आ जाएगी, लोग मजाक उड़ाएंगे हमारे। दिल की बात तो ये है कि पहली बार आपके अलावा हमारी जिंदगी में ऐसा कोई आया जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारे लिए हमारा ख्याल रखता है पापा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के आपसे वीर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। इतना बड़ा सच मैं नलिनी जी से नहीं छुपा सकता, मुझे उन्हें यह बताना पड़ेगा। और रानी मां हमें हमारे मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देगी। हाथ जोड़ते आपके पैर पड़ते पापा, बस आखिरी बार हमारी मदद कर दीजिए, और ये हमारा वादा है, इसके बाद हम कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। रानी माँ को राज दिलाने के लिए आपने कई बार राजनीति की, हमें हमारा हक दिलाने के लिए एक बार के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।